बेंगलुरु से आया हूँ। मेरी कंपनी सुपर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड बोल के ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, दिल्ली इसकी हेड ऑफिस है, 18 से 19 ब्रांचेस हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके कई कारोबार हैं, एक 10-12 हैं। तो मेरी एक तमन्ना थी कि गुलबर्गा के अंदर इस तरह का एक ऑफिस ये करें। शकील क्या है, मेरे पुराने दोस्त हैं, ये हमारे कंपनी से भी गए हुए थे कुवैत के लिए। सो बस आपकी दुआ से इसके कामयाबी रहें। और हमारा ये बताया, जो हमारा सुपर ग्रुप ऑफ कंपनीज का 18 ऑफिस यहाँ है, दुबई में है, रियाद में है। मैं यहाँ देखा है, चार काम कर सकते हैं हम। पहला हमारा नंबर वन है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंपिंग, का मतलब बताता हूँ, ये नंबर वन है मैं हिंदुस्तान के अंदर। 5 हैं एजेंसी हिंदुस्तान के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो भी बंदा एजुकेशन पढ़ रहा है, बाहर जाना चाहता है या कंपनी में जाना चाहता है, वीज़ा बच्चों के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, या अटेस्टेशन होना है, बिजनेस भी करना है बाहर तो अटेस्टेशन होना है, वो हम काम कर रहे हैं। वो करने के लिए मामूली दूसरे एक एजेंटों से 1 महीना लगता है, हमारे में 1 हफ्ते में काम होता है। तो दिल्ली में हमारे 2 ऑफिस हैं, कम से कम 250 से 300 लोग काम कर रहे हैं। दूसरा रहा हमारा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए दुनिया में 2 चीज़ हैं, एक इल्म एजुकेशन है, दूसरा हेल्थ का है, ये क़यामत तक चलने वाली चीज़ है। हमारा एजुकेशन अब्रोड जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए बंदा CAT नीट का मालूम है आपको, बच्चे क्या है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है माँ बाप की, मेरा बच्चा डॉक्टर बने। नीट में 2% होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें मामूली आदमी पढ़ नहीं सकता, दे नहीं सकता। तो हमारे में ऐसा है, अच्छा बाद में क्या कर रहा है, वो इंजीनियरिंग में डालते हैं। इंजीनियरिंग का जो खर्चा होता वही में MBBS हो सकते हैं आप, इंस्टॉलमेंट में मिलता, बैंक लोन मिलता है, समझे। तो ये बहुत अहम चीज़ है, बता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। एजुकेशन हम पूरा प्रोसेस करते हैं, हर जैसा बताया ना, ट्रैक होता है, हमारा सर्टिफिकेट गई हुई क्या, अटेस्टेशन हुआ है या वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँची है, यूनिवर्सिटी आपको कॉल करेंगे, इस तरह का पूरा खुली किताब है, इसमें छुपाना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ईमानदारी से काम करना है। वे ठीक है, उधर गए MBBS होने के बाद इंडिया में आए तो प्रैक्टिस कर सकते क्या, है ना सर। अब है चाइना है, मलेशिया है, उसमें नहीं हो सकता। हमारे में क्या है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, वो अप्रूव्ड की यूनिवर्सिटी है, आप कहीं भी दुनिया में काम कर सकते हैं। तीसरी रही रिक्रूटमेंट का, हमारा क्या इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है। मैं पहले कम से कम या हैदराबाद कर्नाटक करके एक 300 से 400 बच्चों को भेजा हूँ, मैं पुरानी कंपनी में था जरीवर की, ये दुनिया में नंबर 1 थी, और वो फ्री रिक्रूटमेंट होता था। तो हम क्या है, छोटे मोटे कंपनी को नहीं भेजते, क्योंकि लोग देखो एजेंट बोलते हैं, एक एजेंट होते हैं, हम एजेंट ऐसे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, एक लाइसेंस लेना 5 करोड़ होता है, एक गलती होगी चला गया लाइसेंस, इसलिए बहुत सीरियस से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बोलते एक दिखा देते सैलरी आपकी तनख्वाह है इतने रियाल, वहाँ जाने के बाद पूरा उल्टा, रहने के लिए 4, वहाँ डालते 8-10, काम बोलते 8-9 घंटे, कराते 12 घंटे, इस तरह का बहुत होता है। हमारे में नहीं है, पूरा डिटेल आता है, माँ बाप को बुलाना है, उनको समझाना है पूरा।
उनकी मंजूरी लेके हाँ वो माने ठीक है और मुनासिब दाम से जो है खर्चा जाने का वही ये करेंगे हम। और रहा आखिर हज उमरा का है, देखिए हम सब एजेंट नहीं हैं, हम आईएटा अप्रूव्ड वाले हैं, आईएटा अप्रूव्ड हो गया तो गलतियाँ नहीं कर सकते, तो एजेंट हम इस तरह के आदमी को बनाते हैं जो खिदमत गुजार हो, क्योंकि अब सुने हैं आप उमरा के ले जाके क्या कितना कितना धोखा कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं पैसा उधर, खाना पीना मुश्किल, रहना ले जाके एक एक किलो दो दो किलोमीटर में डाल देते, ये नहीं है पूरा हम ट्रैक ये भेजेंगे, आप देखिए खुद कोई है तो इंक्वायरी करें उनके साथ, हमारे क्या हाईटेक बसेस हैं ज़ियारत के लिए, आलिम लोग हैं और इंशाल्लाह यहाँ से जो भी होंगे इनके साथ आलिम लोग हैं, दो साथ में आएंगे लोकल आदमी, क्यों ताकि उनको पता चले, और डायरेक्ट फ्लाइट है हैदराबाद से, जितने हैदराबाद कर्नाटक के हैं अब कल ही उतरे हैं एक बैच हमारे, फिर हर महीना जा रहे हैं, तो ये उमरा का भी माशाल्लाह वो भी करना है, तो बस मैं चार काम ये ऑफिस को सुपुर्द रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। तीन बंदे एक प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर रियाद के लिए वीज़ा स्टैम्प पर इंशाल्लाह जा रहे, शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे जाने वाले हैं, तो आप इनसे गुफ्तगू करें, मिलें, कुछ डाउट है मैं हमेशा 24 घंटे में मिलता हूँ उनको, कुछ भी आपको डाउट शक है पूछ सकते हैं आप। शकील पटेल साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, अल सुफा जो एंटरप्राइजेस की आज ओपनिंग हुई है, जो नेक मकसद से अल सुफा एंटरप्राइजेस की ओपनिंग हुई है, एजुकेशन काउंसलिंग, ओवरसीज काउंसलिंग और दीगर जो सर्विसेज जो नेक नियति से इन्होंने चालू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर पूरे खरे उतरेंगे और अल्लाह ताला इनके जो मकसद है वो मकसद को पूरा करेंगे। अल सुफा के नाम से जो एंटरप्राइजेस ओवरसीज एंटरप्राइजेस जो शकील पटेल साहब और उनकी टीम ने जो स्टार्ट किया है, मैं इनको दिल की अमीर गहराइयों से इनकी मुकम्मल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह के मौके हैं ओवरसीज़ एजुकेशन को लेकर के रहन दे या जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए रहन दे या डॉक्यूमेंटेशन के लिए रहन दे, ये जिस तरह की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करना चाहते हैं ये कम्युनिटी सोसाइटीज़ के लिए या यूथ्स के लिए जो उनको असिस्ट करते हुए उनके रहनुमाई करते हुए जो काम करना चाहते हैं, मैं अवाम उन्नास से अपील करता हूँ कि इससे इस्तेफादा हासिल करें और मैं अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह सुबहाना ताला यह अजीम बेहतरीन मकसद को अल्लाह सुबहाना ताला कबूल फरमाते हुए कामयाब कामरानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज हमारे जनाब शकील पाशा साहब टीम मिलकर अल सुफा इंटरप्राइजेस टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा और दूसरी जगहों की ज़ियारत के लिए एक हज एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स का यहाँ पर एजेंसी ओपन किए हैं एशियन मॉल में लोअर ग्राउंड में, तो ज़रूर आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस इन्होंने रखे हैं। गुलबर्गा की आवाम और आतराफ की आवाम ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये आज हम अल सुफा इंटरप्राइजेस बोलकर एक ऑफिस स्टार्ट किए हैं, इसका करने का मकसद यही है यहाँ से जो वर्क होगा उमरा के लिए और जॉब्स के लिए, जो बहुत से चीज़ हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को लेकर प्रॉब्लम्स है जॉब्स के और हमारे उमरा जाने के लिए भी बहुत सी चीज़ बहुत से ऑफिस वाले प्रॉब्लम करते हैं, तो वो मद्देनज़र हम देखते हुए क्या करने वाले हैं, हमारे एरिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अल सुफा इंटरप्राइजेस बोल के ऑफिस स्टार्ट किए, जो हम हैदराबाद और मुंबई दिल्ली ये ऐसे बड़े सिटी में जो बड़े बड़े ऑफिस 1000+ ऑफिस है उनके साथ टाइप कर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं। हमारे पैकेजेस यहाँ से उमरा के लिए मुंबई से भी जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से और हैदराबाद से भी हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो हमारे टीएम खलील सर जो सुपर इंटरप्राइजेस के जो डेवलपमेंट हेड है उनसे आप सुन चुके हैं कि डिटेल्स जो जो हमारे ऑफिस में वर्क होगा इंशाल्लाह, क्या मालूम हमारी पूरी टीम चांद पटेल और खमरुद्दीन अब्दुल सन्नान और लैक अहमद ये लोग इस ऑफिस की टीम है और हमारे अब्दुल रहीम साहब और हम सब मिलकर हम सब और आप सब मिलकर क्या मालूम इस ऑफिस को चलाना है और ताउन भी करना है इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे सर्विस देने की कोशिश करेंगे
आप जैसे मेडिकल का हो, अब्रॉड में स्टूडेंट वीज़े के बारे में, और जॉब्स के लिए, उम्रा के लिए, और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का भी हम यहाँ पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। और मैं सभी हमारे ISO शोलापुर से ISO हमारे गेस्ट, और हमारे बेंगलुरु से ISO हैदराबाद से ISO वाले गेस्ट, और तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।